मैं अभी मेरठ में हूँ और मेरठ का जो ये इलाका है इसे बोलते हैं तारापुरी। और तारापुरी में एक ये इनकी पूरी ज़िंदगी है। ये छोटा सा कमरा है, मुश्किल से 5 फुट 6 फुट का कमरा होगा। यहाँ ये साहब रहते हैं, इनकी भांजी है ये जी, है ना जी। क्योंकि इनके वाले साहब का नाम क्या है? इमरान नाम है। इमरान नाम है क्योंकि वो नहीं आना चाहते कैमरे पे। ये इनकी बच्ची है और पिछले 10 साल से ये पैरालिसिस है, बच्ची बोल नहीं सकती और बड़ी परेशानी में ये ज़िंदगी अभी अपनी गुजार रहे हैं ये फैमिली। तो आपने क्या क्या दिक्कतें हैं इस बच्ची को? दिक्कतें सारी हैं जी, ये तो बस सिर्फ लेटी रहती है ना, ये कुछ खाती है, अगर इसे खिलाते हैं तो दूध में केला मिला के पीस के इसे वो खिलाते हैं, बस ये वही खाती है। और इसे या फिर दूध पिलाते हैं बोतल से, एक बोतल रखी है इसकी, उस बोतल से दूध पिलाते हैं, बाकी और ये कुछ खाती पीती नहीं, ना इसे रोती ना हंसती ना बोलती ना बैठती, बस लेटी रहती जी ऐसी। इसे कुछ भी नहीं पता दिन दुनिया में क्या हो रहा क्या नहीं। कितने बच्चे हैं इनके यहाँ पे? बस ये जी एक ही इकलौती है, बस एक ही बेटी। एक ही बेटी है बस जी, एक का इंतकाल हो गया जी, तो एक बेटी बस यही है आपके जी। तो क्या आपने मुझे फोन किया था, आपको क्या उम्मीद है ये बताइए। आप आपने मुझे बुलाया दिल्ली से, तो आप क्या चाहते हैं हमसे, क्या मदद चाहते हैं? कि बस आप जो है अल्लाह ने आपको कोई ऐसा जरिया बना दे कि कोई डॉक्टर ऐसे मिल जाए जी, इस बच्ची का बस ट्रीटमेंट करते इलाज करते बढ़िया। अल्लाह आप पता नहीं किसके जरिए से किसका काम करा दे भाई, ये बात थी। कितने पैसे कमा लेते हो भाई? 8,000 रुपये महीना कमाते हो? 8,000 में अपना घर भी चलाना है, बच्ची को भी दिखाना है। देखिए दिल्ली में एक हॉस्पिटल है जिसे बोलते हैं इभास जी, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल है जी। आप इस बच्ची को वहाँ लेके जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो जी। तो हो सकता है इस बच्ची का थोड़ा सा वहाँ से इलाज चले जी, क्योंकि प्राइवेट तो आप नहीं करवा पाएंगे ठीक है ना। और देखिए सबसे अच्छी बात मैं ये बता दूँ इस फैमिली की कि इन्होंने ना मदद के लिए नहीं बोला हमारे से, हमसे ये नहीं बोला कि आप मुशायद भाई हमको फाइनेंशियली मदद कीजिए या हमको पैसे दीजिए। हम आए थे मदद करने के लिए लेकिन इस फैमिली ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? कि जो हम हैं 8,000 10,000 में खुश हैं, बस कुछ ऐसा जरिया बन जाए कि हमारी ये बच्ची कोई डॉक्टर दिखा देख ले से, ये तो चाहते हो ना आप। कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे फाइनेंशियली। पैसे नहीं चाहिए मुशायद भाई। पैसा नहीं चाहिए? तो कैसे करोगे आप ये बताओ? पैसे से तो डॉक्टर को दिखाओगे ना भाई? पैसा होगा तभी तो दिखाएंगे फिर। बिना आप ये आप बताओ, बिना पैसे के आप इसको कैसे अस्पताल में लेके जाओगे, कैसे दिल्ली लेके जाओगे आप ये बताओ। आप मना कर दोगे लेकिन दिक्कत तो आपको आएंगे ना पैसे, बिना पैसे की भाई। यहाँ से काम भी आप छोड़ के जाओगे, आप वहाँ जाके बच्ची को दिखाओगे भी, हो सकता है आपके 2 दिन लगे 3 दिन लगे ठीक है ना, हो सकता है महीना लगे। तो भाई देखिए मैं आप पे एहसान नहीं कर रहा कुछ भाई, मैं तो अपनी आखिरत बना रहा हूँ ठीक है ना। मैं आप पे एहसान नहीं कर रहा कि मैं आप पे एहसान कर रहा हूँ। तो बताइए आप मुझे बिल्कुल पैसा ना होने की तो वजह है जो 10 साल की है। हाँ बिल्कुल, ये सही कहा बहन ने, ये कैमरे पे नहीं आना चाहती कि पैसे की वजह से ही ये 10 साल हो गए इस बच्ची को। अगर पैसा होता ना आपके पास में तो आप इसे कहीं ना कहीं बच्ची को दिखा लेते। ये मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन जिंदा लाश है ये बच्ची जी जी, यही बात है। ये सांस तो ले रही है जी जी। लेकिन जिंदा लाश है ये, जिंदा लाश ही है। मैं चेहरा नहीं दिखा रहा आपका ठीक है ना, मुझे शर्म आती है ठीक है ना। और ये बताओ 10 सालों से जब आपके पास में पैसा नहीं है तो 10 सालों से कैसे खींच रहे हो इस बच्ची के साथ में आप? तो कर रहे हैं गुजारी, औलाद है हमारी, करना तो पड़ेगा जी जी। तो जितने भी अब कमाते हैं थोड़ा बहुत इसके ट्रीटमेंट में लगाते हैं, थोड़ा अपना गुजारा कर लें। लेकिन आप अब भी नहीं मांग रहे, अब भी ये कह रहे हो कि नहीं मैं कमा लूँगा मैं कर लूँगा, ये खुददारी तो है आपकी? देखो इज्जत जिल्लत शोहरत दौलत देने वाला अल्लाह है, अल्लाह कहता है मुझसे मांगो ठीक है ना। एक चप्पल भी टूट जाती है तो मुझसे मांगो, वही चीज़ें आप कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह है ना, अल्लाह जरिया भी बनाते हैं भाई, समझ सकते हैं मेरी बात को। अल्लाह खुद तो आएगा नहीं मदद करने के लिए, हैं अल्लाह एक जरिए तो बनाएगा ना, मुशाहिद के थ्रू, इमरान के थ्रू, वसीम के थ्रू, वो किसी ना किसी को भेजता है किसी भी चीज़ उसमें। तो आप मेरे छोटे भाई हो, तो मैं ज़्यादा तो नहीं दे रहा आपको लेकिन छोटे भाई की तरफ से आपको एक छोटी सी मदद भेज रहा हूँ आपको। 1 2 3 4
5 भाई, ये 5,000 रुपये हैं, ठीक है ना। इस 5,000 से अपने इस बच्ची का ले जाना दिल्ली, ठीक है ना। दिल्ली ले जाके हो सकता है कि मेरे इस छोटे से कदम से आपकी बच्ची ठीक हो जाए, ठीक है ना। आप, मैंने बताया आपको जीटीबी अस्पताल के पास में इबास अस्पताल है, वहाँ से, क्योंकि आप किराए से जाएंगे आराम से, और आपकी 7-8 हज़ार रुपये सैलरी है, थोड़ा सा लगेगा इसमें, थोड़ा सा तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, नहीं होगा तो कोशिश करो एक बार जाने की, फिर आप दिल्ली आओ। अगर आपको ये लगता है कि मेरी बच्ची ठीक हो सकती है, या इससे ज़्यादा उसको इलाज की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा दवाई की ज़रूरत है, तो मैं फिर तैयार हूँ, ठीक है ना भाई। और हिम्मत मत हारना, ठीक है ना। हाँ, अल्लाह अल्लाह खैर करेगा। चलो।